डोईवाला में कांग्रेस ने बैठक और जनसंवाद का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने पलायन का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे। डोईवाला में नगर कांग्रेस कमेटी ने वार्ड नंबर 18 में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी मुख्य अतिथि रहे। मनीष खंडूरी ने पलायन का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे। इसके साथ ही अग्निवीर और ओपीएस के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। मनीष ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर कोई प्रयास नहीं कर रही, सरकार का रवैया सही नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि 2019 में मैं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से चुनाव लड़ा हूं, और उसके बाद लगातार मैं क्षेत्र में जो 14 विधानसभाओं में हैं 4 साल से मैं घूम रहा हूं। मेरा जो आज का जो प्रोग्राम था, क्योंकि पलायन मैं जानता हूं, जैसे गांव में गया हूं, चमोली में गया हूं, यमकेश्वर देख लीजिए, पौड़ी देख लीजिए, श्रीनगर देख लीजिए, तो वहाँ पे पलायन जो है वो बहुत हो चुका है। और जो काफ़ी सारे जो हमारे जो लोग हैं गढ़वाल के, वो आके यहाँ पे डोईवाला में कुछ ऋषिकेश में जो सेटल हो गए हैं देहरादून में। तो आज जो मेरा प्रोग्राम था वो प्लेन्स में जो गढ़वाल से और ख़ासकर जो पौड़ी गढ़वाल जिसे कहते हैं, वहाँ से मेरा ये प्रयास है कि उनके माध्यम से समझ सकूँ कि पलायन उनका हुआ तो क्यों हुआ, वो कहाँ से आए, उनके साथ एक संवाद शुरू किया जाए और फिर ये समझा जाए कि उनकी मुसीबतें या उनकी दिक्कतें क्या हैं। बहरहाल अभी तक ये पहला प्रयास है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और देखिए, पौड़ी गढ़वाल की जो समस्याएं वो बहुत हैं, वो हम भी जानते हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा दर्शा दूं, एक जो काफ़ी वहाँ पे बड़ा मुद्दा हो चुका है, अंकिता भंडारी का हो चुका है, और वो काफ़ी देर से चल रहा है, तो उसमें बहुत क्रोध भी है और आक्रोश है। दूसरा ये अग्निवीर का जो मुद्दा है, उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। तो ऐसे मुद्दे जो हैं जिसमें सरकार कोई ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है या प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, आप वन रैंक वन पेंशन ले लीजिए, आप केदारनाथ में सोने का मुद्दा ले लीजिए, अभी जो टिहरी में जो उत्तरकाशी में जो डैम जो टनल हुआ है, टनल गिरा है, उसमें आप सरकार का रवैया देख लीजिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं और उन्हीं की तरह एक संवाद करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। डोईवाला में मैं आया था कि जनता से, जो पहाड़ की जनता है जो यहाँ पे पलायन कर चुकी है, उनसे डायरेक्ट संवाद हो चुका है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।